नमस्कार खेडूत भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कोराजन इंसेक्टिसाइड के बारे में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोराजन कौन कौन सी इल्ली को कंट्रोल करता है और हमारे किसान भाइयों कोराजन का इस्तेमाल कौन कौन से फसलों में कर सकते हैं, उसके बारे में हम ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्निकल कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इसमें आपको क्लोएंड्रा नेनिपोल 18.5.80 फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे किसान भाइयों कोराजन का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं। तो कोराजन का इस्तेमाल सोयाबीन, मूंगफली, चना, गन्ना, मकई जैसे अत्यधिक फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे किसान भाइयों अगर कोराजन का इस्तेमाल करते हैं तो इसको 20 से 25 दिन का लंबा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर डोज की बात कर लेते हैं तो 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हो। और बात कर लेते हैं आप इसका स्प्रे कब और कैसे कर सकते हो। तो कोराजन का स्प्रे आपके फसल में जब इल्ली का अटैक दिखाई दे तब आप कर सकते हो। अगर आप इसका स्प्रे दूसरे या तीसरे स्प्रे में करते हो तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले स्प्रे में नॉर्मल दवाई से भी इल्ली का कंट्रोल आसानी से हो जाता है। तो बन सके तो दूसरे या तीसरे स्प्रे में इस्तेमाल करिए। अब बात कर लेते हैं कोराजन कौन कौन सी इल्ली को कंट्रोल करता है। तो कोराजन लगभग सभी प्रकार की इल्लियों को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुँच जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।